चुनाव के अंतिम परिणाम के बाद वार्ड नंबर 20 से पत्रकार साथी विजय बिंदा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने वोट आपको मिले, कितने मत का उपयोग हुआ और कितने वोटों के जीते हो? टोटल में डले थे 3548 डले थे, जिसमें से 2078 मुझे मिले हैं। और विरोधी प्रत्याशी जो निर्दलीय थे, गब्बर सिंह, रेखा गब्बर सिंह परिहार, उनको 1013 वोट मिले हैं। कुल मिला के 1065 की जीत हुई है। अच्छा, बीजेपी ने आपके ऊपर विश्वास रखा कि आप अपने वार्ड में से जीत हासिल करोगे, वार्डवासियों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? वार्डवासियों के जो मेन मुद्दा है, जो पानी, बिजली, सड़क और उनकी जो शासन की जो योजना है वो उन तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार उनके बीच में कर ही रहा हूं, जिसका परिणाम है कि जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसके लिए आगे भी उनका रेडी रहूंगा। कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनने को आती है कि आप 8 वर्षों से बिना किसी मतलब ही बन के लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, अब पार्षद बनने के बाद क्या उन्हीं सेवाओं पर खड़े उतरोगे कि और अधिक? उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि जनता ने ये दिखा दिया है कि देखो, अगर आप मेहनत करोगे और हमारे लिए जब सेवक बन के आना चाहोगे तो इसी तरीके से आप आओगे, आप झूठे वादे करके नहीं आ सकते आप। अच्छा, एक बम्पर जीत हुई है, 1064 वोटों से लगभग आप जीते हैं, तो क्या लगता है कि पूरा जन समर्थन आपको मिला था? सबका जन समर्थन मिला है मुझे, श्रीमंत राजे साहब का जन समर्थन मिला है, जनता का समर्थन मिला है, पूरे मेरी पूरी पार्टी के लोगों का, संगठन का समर्थन मिला है मुझे, और मेरे बाहरी लोगों का भी बहुत समर्थन मिला है मुझे। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा रेडी रहूंगा। 8 नंबर 38 से हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी वेदांत सविता मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्या कितने मतदान का उपयोग हुआ है, कितने मतों से आप जीते? देखिए, मतदान कम्प्लीट होने पर 622 मत मुझे मिले और जो निकटतम प्रत्याशी थे राजकुमार राठौर, उनको 503 मत प्राप्त हुए। सबसे 119 मतों से मैं। अच्छा, आपके वार्ड में कई जगह देखने को मिला है सड़कों और नालियों का काफी दिक्कत लोगों को है और आक्रोश भी उनके बीच देखने को मिला था, क्या अब आप आगे चल के उनकी जन समस्याओं को सुधारेंगे? देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहले मैंने संकल्प पत्र में भी उन्हीं बिंदुओं को रखा है कि कई जगह सड़क नहीं है और कई जगह जल भराव की समस्या नालियाँ ना होने के कारण उत्पन्न हो रही है। इसी कारण इस बार वार्ड की जनता ने वार्ड के बीच का व्यक्ति को चुना है, जिससे वो समस्याएं जल्दी हल हो और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी मैं उन समस्याओं को जल्दी शीघ्र। अच्छा, देखा जा रहा है आप सबसे युवा प्रत्याशी में देखे जा रहे हैं कि सबसे युवा प्रत्याशी आप ही हैं, 39 वार्ड में। क्या उम्र है आपकी लगभग? मेरी उम्र अभी 21 वर्ष 10 माह उम्र है। इतनी कम उम्र में आपको जन लोगों का इतना जन समर्थन मिला है, क्या कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत निश्चित तौर पर अच्छा लग रहा है।